दुनिया के सबसे बड़े और मोटे जानवर जिनका कद और जिस्म देखकर आप डर सकते हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि इन जानवरों के इतना बड़ा होने की असल वजह इनके मालकान का प्यार है या कोई करिश्मा। सो बिफोर गेटिंग स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। नंबर 1, द रॉजर कैंगरू। ये कैंगरू दुनिया का सबसे बड़ा और मोटा कैंगरू था, जो एक बाल्टी को कुचलने वाले क्लिप की वजह से वायरल भी हो चुका है। ये कैंगरू दरहकीकत एक फाइटिंग गेम के करैक्टर की तरह लगता था, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रेलियन नेचर के महफूज मकाम पर रहने वाला सबसे बड़ा रियल लिविंग जानवर था। इसके केयर टेकर रॉजर के मुताबिक इसका कद 6 फीट 7 इंच लंबा और वजन तकरीबन 200 पाउंड था। और हैरत की बात ये है कि इस कैंगरू को अपनी मदर पाउच से तब रेस्क्यू किया गया था जब इसकी माँ एक कार एक्सीडेंट की वजह से मर गई थी। तब इस कैंगरू का साइज एक एवरेज बेबी जितना था, लेकिन ये कैंगरू तेजी से अपने बड़े साइज और फिजिक की वजह से बहुत मशहूर हो गया। इसके मालिक रॉजर का कहना था कि ना सिर्फ ये कैंगरू अपनी जारियत के लिए जाना जाता था, बल्कि एक दफा इसके साथ झगड़ने से इस जानवर ने इसे सख्ती से घेर लिया था, जिसकी वजह से इसे 6 स्टिचेस लगाने पड़े थे। और कहा जाता है कि अगर ये कैंगरू अचानक से किसी इंसान को किक करता तो ये अफसोसनाक हद तक जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन ये बड़ा कैंगरू चंद साल पहले 2018 में मर चुका है, जब इसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जो किसी भी कैंगरू के लिए बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। नंबर 2, डीप ब्लू ग्रेट व्हाइट शार्क। डीप ब्लू एक फीमेल व्हाइट शार्क है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट और वजन 2 टन से ज्यादा है, और कहा जाता है कि इसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। रिसर्चर्स ने इस शार्क को पहली बार मेक्सिको में देखा था, और जिसे डिस्कवरी चैनल शार्क वीक में भी दिखाया जा चुका है। मुख्तलिफ वीडियोज में इस शार्क को इंसानों और यहाँ तक के डॉल्फिन के इर्द गिर्द पुरसकून तौर पर दिखाया गया है। ये व्हाइट शार्क इस किस्म के जायंट एनिमल नहीं है कि जो सिर्फ जंगली समंदर में भागना चाहते हैं, इसलिए कुछ बहादुर लोग इसके बड़े साइज के बावजूद इसके साथ स्विमिंग भी करते हैं, और यहाँ तक कि इस इलाके के दूसरे स्कूबा डाइवर्स आसानी से समंदर में इसके साथ तैर सकते हैं। रिसर्चर्स की तहकीक से पता चला है कि शायद ये शार्क अपने साथ लोगों को खुराक के लिए बहुत कम समझती है, इसीलिए इन पर हमला करने की बजाय फ्रेंडली बिहेवियर जाहिर करती है। नंबर 3, 480 ऑटिस बियर। ये रीच, जिसे 480 ऑटिस के नाम से जाना जाता है, 2021 में इसे दुनिया का सबसे मोटा रीच होने का अवार्ड मिल चुका है। इसका वजन तकरीबन 1000 पाउंड से भी ज्यादा था। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स के लिए ये इंतहाई हैरान कुन था कि एक रीच इतना मोटा कैसे हो सकता है, और इनका कहना था कि इस बियर को आने वाले महीनों के लिए इस फैट को स्टोरेज करने की जरूरत है, ताकि वो खुद को खुश और सेहतमंद रख सके। ये रीच 26 साल की उम्र में अभी भी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जिंदा है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसके वजन बढ़ने की वजह इसका अपनी कैलोरीज को जलाए बगैर घंटों मछलियां पकड़कर खाना है, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद इसका कुछ वजन इसके बड़े दिमाग से मंसूब हो सकता है। लेकिन कोई शक नहीं कि ये दुनिया के सबसे बड़े और मोटे बियर्स में से एक है। नंबर 4, नीकर्स द स्टियर। नीकर्स द स्टियर दुनिया की सबसे बड़ी काउ है, जो होल्स्टीन फ्रीजन से ताल्लुक रखती है। इसकी इब्तदा शुमाली हॉलैंड और जर्मनी में हुई थी, जिसे इंसान 2000 सालों से डेयरी प्रोडक्शन के लिए ब्रीड कर रहे हैं। ये 3000 एकड़ पर फैले हुए एक कैटल फार्म में रहता है, और इसका वजन 1.5 टन से ज्यादा है, जो कि एक टोयोटा के बराबर है। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि इसकी नस्ल के ज्यादातर मेल 5 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते, इसलिए बहुत से लोग इंटरनेट की तस्वीर से यकीन नहीं कर पाते कि ये काओ इसी नस्ल से ताल्लुक रखती है। लेकिन रिपोर्टर्स ने हकीकत में देखकर ये दावा किया है कि ये दुनिया के सबसे लंबी और मोटी काव है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये काव इतनी बड़ी कैसे हुई। लोगों का कहना है कि शायद इसकी परवरिश इस तरीके से की गई है कि इसका जिस्म हार्मोन से भरा हुआ है, या ये कोई कुदरत का करिश्मा है, और यहाँ तक कि इस फार्म के मालिक के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 5, कैपेबारा एनिमल। कैपेबारा साउथ अमेरिका में रहते हैं। हैरानकुन बात ये है कि आप इन्हें हकीकत में देखकर भी नहीं बता सकते कि ये एक चूहा है, और कुछ लोग इन्हें गैर मुल्की पालतू जानवरों के तौर पर रखते हैं। ये एक सब्जी खोर जानवर है, और कैपेबारा अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं। लेकिन ये अजीबो गरीब जानवर एक कुत्ते की तरह भी लगता है, क्योंकि इसके मालिक का कहना है कि ये जानता है कि किस तरह दायरे में घूमना है, और ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर हाथ मिला सकता है, और यहाँ तक कि ये अपने मालिक के कहने पर छलांग भी लगाते हैं। ये एक खतरनाक जानवर है, लेकिन ये इंसानों पर हमला नहीं करते, क्योंकि इनकी नस्लें आमतौर पर जैगुआर और एनाकोंडा का शिकार हैं। नंबर 6,
राल्फ द रैबिट। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खरगोश हकीकत में बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये राल्फ नामी एक 4 साला खरगोश है जो बर्तानिया के एक घर में रहता है। इसका वजन 55 पाउंड है जो ज्यादातर कुत्तों से भी भारी है, और ये दुनिया के सबसे बड़े खरगोश होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। इसके मालकान का कहना है कि इसके इतना बड़ा होने की वजह इसका खाना है, क्योंकि इसके एक हफ्ते के खाने की कीमत तकरीबन $4,000 है। और कहा जाता है कि इससे पहले इस राल्फ रैबिट की माँ एमी के पास दुनिया का सबसे भारी रैबिट होने का रिकॉर्ड था, जो बदकिस्मती से हार्ट अटैक से मर चुकी है। नंबर 7, हरक्यूलिस द लाइगर। ये लाइगर एक बहुत हकीकी जानवर है। ये सबसे ज्यादा मशहूर हाइब्रिड में से एक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली हरक्यूलिस एक अडल्ट मेल लाइगर है जो इस वक्त साउथ कैरोलिना में वाइल्ड लाइफ रिजर्व में मुकीम है। ये लाइगर 11 फीट लंबा और 922 पाउंड वजनी है। ये मोटी बिल्ली इतनी ही बड़ी है कि जितनी वो नजर आती है। इसकी देखभाल करने वालों का कहना है कि ये मोटी बिल्ली दिन में तकरीबन 30 पाउंड गोश्त खाती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स का कहना है कि ये ब्रीड ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, लेकिन ये लाइगर अभी भी बहुत बड़ा और सेहतमंद है। दर हकीकत ये बिल्ली किसी मोटापे का शिकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसका स्टमक जमीन से नीचे लटका हुआ दिखाई देता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक बनाता है। नंबर 8, द लोलोंग क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल 20 फीट 3 इंच और 2370 पाउंड वजनी लोलोंग की कैद में रहने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ था, जो 3 सितंबर 2011 को फिलिपाइन से पकड़ा गया था। और कहा जाता है कि शिकारी 100 लोगों की मदद से इसे तकरीबन 3 हफ्तों की मेहनत के बाद पकड़ने में कामयाब हुए थे। इसकी उम्र कम अज कम 50 साल बताई गई थी। इस जायंट क्रोकोडाइल की दिलचस्प कहानी के बारे में कहा जाता है कि जब इसे पकड़ा गया तो ये बीमारी के करीब था, क्योंकि मुकामी लोगों को शक था कि ये एक लोकल फिशरमैन को खा चुका है जो कई दिनों से इस कस्बे में लापता था। और इसके साथ साथ ये क्रोकोडाइल इस इलाके की बहुत सी वाटर बेफलोज को भी खा चुका था। ये क्रोकोडाइल इंतहाई बड़ा और भूखा था, लेकिन 2013 में निमोनिया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी मौत हो गई थी, जो कि इसको कैद में रखने की वजह का सबब बनी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।